एक नया वीडियो पे दोस्तों आप सबका स्वागत है। तो इधर पे हम लोग एक बियो मोटर को रिपेयर करेंगे। तो ये देखिए एक बियो मोटर जो है एल टाइप का बियो मोटर है, ये एक्चुअली आपका 100 RPM का बियो मोटर है। तो ये वाला मोटर मैं एक 9 वोल्ट बैटरी के साथ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये वाला मोटर देखिए अभी कोई काम नहीं कर रहा है, मतलब कि रोटेट नहीं कर रहा है एकदम भी, ठीक है, एकदम रोटेट नहीं कर रहा है। इसका जो सेफ्टी, इसको भी हम लोग हाथ से घुमा नहीं पा रहे, पूरा टाइट हो गया है अंदर का गियर बॉक्स। जहाँ पे देखिए एक और एक मोटर है मेरा, ठीक है, ये देखिए इस बैटरी से बहुत ही आराम से घूम रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा ओपन करेंगे गियर बॉक्स के अंदर, देखेंगे कि क्या दिक्कत है एंड इस मोटर को भी रिप्लेस करेंगे। देखिए पूरा रस्टी हो गया है ये वाला मोटर, तो इसको भी रिप्लेस करेंगे एंड चेक करेंगे, इसको रिपेयर करेंगे पूरा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डैमेज हो गया इधर पे देखिए, एक इधर से टूट गया है, इसके ही कारण मुझे लगता है कि ये काम नहीं कर रहा था। तो दोस्तों मेरे पास एक्चुअली वो अलग गियर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने उसको रिप्लेस नहीं किया। आप लोग चाहे तो उस गियर को रिप्लेस भी कर सकते हैं, उसका बस 1 टीथ टूटा हुआ था, तो उसका रिप्लेसमेंट पे मैंने ध्यान नहीं दिया उतना। ये देखिए बहुत ही अच्छा रोटेट कर रहा है अभी मोटर। तो दोस्तों ऐसे ही इजीली आप इस बियो मोटर को रिपेयर कर सकते हो। अभी देखिए इसको मैंने ये दिखा दिया कि कैसे इसका बेस मोटर चेंज करना है। तो अगर इसका बेस मोटर ख़राब हो गया होगा तो आप इस बेस मोटर को चेंज करके नया मोटर भी डाल सकते हो एंड अंदर का अगर गियर बॉक्स जाम हो गया होगा तो नया, मतलब गियर बॉक्स को कैसे रिप्लेस करना होगा, कैसे नया गियर पुट करना होगा, वो भी मैंने दिखा दिया दोस्तों। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो लोगों को पसंद आया है एंड जैसे लाइक कर देना, चैनल पर नया था सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। बहुत जल्दी मिलेगा नया एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा।